दिवाली की होली के दिन दुश्मन भी एक हो जाते हैं। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला जब नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा और मारपीट का इल्जाम लगाने वाले ठेकेदार अनिल गर्ग एक साथ प्रेस वार्ता की। इस पूरी प्रेस वार्ता के दौरान ये लग नहीं रहा था कि अनिल गर्ग वहां पर अपनी मर्जी से बैठे हैं, क्योंकि पूरी प्रेस वार्ता के दौरान उन्हें बोलने भी नहीं दिया गया। वहीं जब उनको बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ मारपीट तो हुई है, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं समझौता करने के लिए तैयार हूं। वहीं दूसरी तरफ नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा ने इस घटना के होने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मारपीट की कोई घटना नहीं हुई। वहीं पूरी प्रेस वार्ता के दौरान मजेदार बात तो ये थी कि ठेकेदार अनिल गर्ग का चेहरा देखने लायक हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मजबूरीवश समझौता कर रहे हैं। इस दौरान जब पत्रकारों ने अनिल गर्ग से सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्हें सवाल पूछने नहीं दिया गया। जब पत्रकारों ने कहा कि ऑफ रिकॉर्ड इनसे बात कर ली जाए तो राजेंद्र सिंह सलूजा जी द्वारा उनको रोक दिया गया। अब चाहे जो भी हो, पर होली के त्योहार पर एक और समझौता होकर पुलिस को जांच से बचा लिया गया। मेरे साथ जो घटना घटित हुई मारपीट की, वो बेहद निंदनीय थी। उसको मैंने कोतवाली में जाके आवेदन देकर रिपोर्ट लिखाई थी। अब चूंकि सलूजा जी से इनके परिवार और मेरे परिवार के वर्षों से पारिवारिक संबंध हैं, सलूजा जी मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई जैसे ही हैं, और सलूजा जी ने भी मुझे छोटा भाई माना है। चूंकि हम सभ्य समाज के लोग हैं, हम सभ्य समाज में रहते हैं, सभ्य समाज का अभिन्न अंग है, इसलिए हर चीज़ का बातचीत से निकलता है। सलूजा जी ने जो पहल की है मैं उसका स्वागत करता हूँ। कानूनी कार्रवाई इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, और जो भी FIR हुई वो गलत फहमी में हुई है। और मतलब नगर पालिका में कोई घटना हुई नहीं थी? नगर पालिका में जो भी घटना दुर्घटना है वो सब गलत फहमी थी, सब गलत फहमी घटना घटना दुर्घटना नहीं है, गलत फहमी कारण सारी चीज हुई। मेरा परिवार का सदस्य है, जब तक जिएंगे जब तक सदस्य। कौन लोग थे इन्हें गलत फहमी पैदा करने? अब कुछ थे असामाजिक तत्व, उनका बात करना ठीक नहीं है। बाकी दोनों भाइयों में गलतफहमी पैदा कर दी। कुछ राजनीतिक लोग थे जिन्होंने गलतफहमी पैदा की। हमारा परिवार है, मेरा छोटा भाई है और मैं सा छोटा भाई। अभी हल मैं लगा दूँ। गलतफहमी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, और जो भी FIR हुई वो गलत फहमी में हुई है। तो ऑफ द रिकॉर्ड से बात कर लें थोड़ी सी? कुछ नहीं। अरे कर लें थोड़ा सा।